पिछले एपिसोड में हमने सुना कि नैरीना अपनी जान बचाने के लिए सरदार को सेड्यूस कर लेती है। आयुष और वाणी को कारागार में डाल दिया जाता है। सरदार नैरीना को अपनी रानी बना लेता है। नैरीना के कहने पर आयुष और वाणी को मौत की सजा देने के लिए ले जाया जाता है। तभी वहां सरदार का बेटा कुपित आकर उन्हें बचा लेता है। कुपित वाणी पर फिदा हो जाता है और उसे अपनी रानी बनाना चाहता है। वाणी के कहने पर कुपित आयुष को छोड़ देता है। आयुष नैरीना पर हमला करने की कोशिश करता है। अब आगे आयुष भाला लेकर नैरीना की तरफ दौड़ता है। वो नैरीना पर वार कर पाता उससे पहले ही सेनापति काल उस पर हमला करके आयुष को जमीन पर गिरा देता है। ये देखकर सरदार बहुत गुस्सा हो गया था। सरदार के आदेश पर आयुष को दोबारा कारागार में डाल दिया जाता है। तभी नैरीना को अपने सेनापति को बचाने का बहाना मिल जाता है। वो मुस्कुराते हुए सरदार से कहती है, ये मेरा सेनापति काल है, बहुत बहादुर है। जैसा कि अभी आपने देखा, अगर आप चाहें तो इसको जीवन दान दे सकते हैं, ये हमारे बहुत काम आएगा। सरदार भी काल की बहादुरी से बेहद खुश होकर उसे छोड़ने का हुक्म देता है। नैरीना सरदार से कहती है कि उसे काल की बहुत जरूरत है, इसीलिए वो उसे अब से अपने आसपास ही रखेगी। वो उसका बॉडीगार्ड बनकर हर समय उसके साथ रहेगा। सरदार नैरीना की इस बात को टाल नहीं पाता और वो मुस्कुरा कर कहता है, यदि आपको लगता है कि इसे आपके साथ रहना चाहिए तो ये रहेगा। सैनिकों, सेनापति काल को छोड़ दिया जाए और आज से ये हमेशा हमारी रानी नैरीना के साथ रहेगा। उधर कुपित वाणी को अपने कक्ष में लेकर पहुंच गया था। वाणी अभी भी रो रही थी। वो वाणी के आंसू पोंछ कर कहता है, तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम हमें पसंद नहीं करती? क्या तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे दोस्तों को मृत्यु दंड दे दें? ये सुनते ही वाणी का दिल अंदर तक हिल जाता है। वो अचानक खुद को संभालती है और कुपित के सीने से लिपट कर बोलती है, आप हमें गलत समझ रहे हैं राजकुमार। हम अपने दोस्तों के लिए नहीं रो रहे, बल्कि हम तो आपका प्रेम देखकर आश्चर्यचकित है। आप ना होते तो रानी हमें मार ही डालती। आपने हमें अपने प्रेम के लायक समझा, यही हमारा सौभाग्य है। हम आपको पाकर बहुत खुश है। बस हम चाहते हैं कि हमारे दोस्तों को कुछ ना हो। इस पर कुपित वाणी को अपनी बाहों में कसते हुए कहता है, हम तुमसे वादा करते हैं वाणी कि आज के बाद कोई ना तो तुम्हें और ना ही तुम्हारे दोस्तों को नुकसान पहुंचा पाएगा। तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आज से हम पर है। ये सुनकर वाणी राहत की सांस लेती है और वहां से उठकर जाने लगती है। तभी कुपित उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और एक बार फिर उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोलता है, क्या तुम हमारे साथ थोड़ा समय नहीं बिता सकती? तुम इतनी सुंदर हो कि हम स्वयं को रोक नहीं पा रहे हैं। हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं कि हमारा गुस्सा हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, इसीलिए हमारे गुस्से के सामने आने का कभी प्रयास मत करना। तुम हमारी आज्ञा के बिना कभी हमसे दूर नहीं जाओगी। वाणी कुपित के कहने का अर्थ समझ गई थी और कुपित उसके साथ क्या करना चाहता है ये भी। वो मुस्कुराकर पलटी और कुपित के गले में अपनी बाहें डालकर मुस्कुराते हुए बोली, हमारा चेहरा रो रो कर बेढंगा हो गया है, इसीलिए हम तो अपना चेहरा धोने जा रहे थे। अगर आपकी ऐसी ही मर्जी है तो हम रुक जाते हैं। इस पर कुपित मुस्कुराकर बोलता है, तुम वैसे ही इतनी सुंदर लग रही हो, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर कुपित ने बिना एक पल भी गवाए वाणी को जोर से पकड़ लिया। अब वाणी विद्रोह भी नहीं कर पा रही थी। कुपित वाणी के बहुत नजदीक आ जाता है। ना चाहते हुए भी वाणी के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ने लगी थी। वाणी आयुष से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, पर कुपित ने वाणी की इंद्रियों में एक तूफान समचा दिया था। उसकी इंद्रियों की चाहत पर उसके प्यार का असर धीमा और फीका पड़ने लगा था। थोड़ी ही देर बाद वाणी आयुष के साथ साथ खुद को भी भूल गई थी और वो पूरी तरह से कुपित के साथ हो गई थी। अचानक रात को वाणी की जब आंख खुलती है तो वो खुद में बहुत गिल्ट महसूस करती है, लेकिन वो जानती थी कि एक विवाहित स्त्री के लिए गैर मर्द का छूना भी भारतीय परंपरा के अनुसार पाप था। वो धीरे से बिस्तर से उठती है और बाहर निकल जाती है। उसे कारागार का रास्ता पता था। वो दौड़कर आयुष के पास जाती है। आयुष अभी भी कारागार में बंद था। वाणी को देखते ही वो कारागार की सलाखों के पीछे से ही हाथ बढ़ाकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। वाणी भी फूट फूट कर रोती है। आयुष उससे पूछता है, उस जानवर ने तुम्हें छुआ तो नहीं? वाणी रोते हुए कहती है,
उसने कोशिश तो बहुत की, लेकिन मैंने उसे बोला कि शादी के बाद वो जो चाहे कर सकता है, लेकिन अभी मैं उसे अपना शरीर नहीं सौंप सकती। वो बड़ी मुश्किल से माना और जब वो सो गया तो मैं तुम्हारे पास आई। आयुष की आंखों से भी आंसू बह चले थे। वो वाणी का माथा चूमते हुए बोला, ठीक है, तुमने अच्छा किया। ये कुपित हमारे बहुत काम आ सकता है, तुम इससे दूरी बनाए रखना, लेकिन इसे मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश करो ताकि वो हमें यहाँ से छुड़ा सके। वाणी अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तभी अचानक वहां सैनिकों के चहलकदमी करने की आवाज आती है। वाणी आयुष से धीरे से कहती है, लगता है कोई आ रहा है, मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकती, अगर किसी ने यहाँ मुझे देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं कुपित को किसी तरह अपने प्यार के झांसे में फंसा कर तुम्हें छुड़ाने की कोशिश करती हूँ, शायद वो तुम लोगों को यहाँ से जाने दे। इस पर आयुष कहता है, मैं अकेला यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा वाणी, अगर हम जाएंगे तो एक साथ जाएंगे, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा। इसके बाद वाणी ने आयुष की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो पलटी और धीरे से वापस उसी गुफा में चली गई जहां से वो आई थी। वाणी और आयुष नहीं जानते थे कि कोई दूर खड़ा उन्हें देख रहा था और उसने उनकी सारी बातें सुन ली थी, और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि सेनापति काल था। सेनापति काल नरेना के कमरे के बाहर जाकर उससे मिलता है और उसे सारी कहानी बताता है। ये सुनते ही नरेना गुस्से से पागल हो जाती है। वो धीरे से चिल्ला कर बोलती है, तुम आज के बाद रात के समय मुझसे मिलने कभी नहीं आओगे, अगर सरदार ने देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, उन्हें जो भी षड्यंत्र रचना है रच लें, लेकिन आखिरकार मैं ही जीतूंगी। क्या तुमने यहाँ आते वक्त मेरी किताब रख ली थी या वहीं छोड़ आए हो उसे भी? इस पर सेनापति मुस्कुराते हुए अपनी कमर के अंदर हाथ डालता है और किताब नरीना की तरफ करते हुए कहता है, ये किताब मैंने नहीं, आपने वहां छोड़ दी थी, मैंने तो मौका देखकर इसे अपने कपड़ों में छुपा लिया था। अपनी किताब को अपने हाथों में एक बार फिर देखकर नरीना खुशी से झूम उठी। वो मुस्कुराकर सेनापति से कहती है, अब तुम यहाँ से जाओ, मैं तुमसे कल मिलूंगी और इसके आगे क्या करना है वो भी तुम्हें बताऊंगी। नरीना का आदेश पाते ही सेनापति काल वहां से चला गया। नरीना कमरे के अंदर झांक कर देखती है, सरदार गहरी नींद में सो रहा था। वो अपनी किताब लेकर पास ही बने दूसरे कमरे में चली जाती है। वो किताब को खोलती है और अपनी उंगली में दांत कड़ा देती है। उसकी उंगली से खून टपकने लगता है। वो किताब पर अपना खून से सना हाथ रख देती है। अचानक उसकी किताब का पन्ना उसे किसी मोबाइल की स्क्रीन की तरह दिखने लगता है, जिस पर उसे कुछ दृश्य दिखाई दे रहे थे, जिसमें एक गुफा में एक लंबा चौड़ा पतला दुबला बूढ़ा अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ था। अचानक वो अपनी आंखें खोलता है। उसको देखते ही अनामिका यानी कि नरीना अपना सर झुकाते हुए कहती है, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ जादूगर रुस्तम, मुझे एक टापू पर कुछ जानवरों ने कैद कर लिया है, मुझे जल्दी यहाँ से निकालो। इस पर जादूगर रुस्तम मुस्कुरा कर कहता है, इंसान अपनी गलतियों की सजा ही भुगतता है, तू जिस चीज को पाने के लिए हजारों साल से तड़प रही है, कभी तू आगे के जन्मों में जाती है, कभी पीछे के जन्मों में जाती है, लेकिन आज तक तू कभी कामयाब नहीं हो पाई। यहाँ पर भी कामयाबी या नाकामयाबी तेरे ही हाथ में है। मैं तो सिर्फ यहाँ मिस्र आने पर तेरी मदद कर सकता हूँ, यहाँ तक आने की जिम्मेदारी तेरी है। इस पर नरीना गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, मैं उन दोनों को मार ही डालने वाली थी, फिर उनका खून तेरे पास लेकर आती तब मैं अपने मकसद में कामयाब हो पाती, लेकिन अचानक ये लोग न जाने कहां से आ गए और इन्होंने हमें बंदी बना लिया है। तभी जादूगर रुस्तम कहता है, अब तू जल्दबाजी मत कर, क्योंकि जो समय उन दोनों को मार डालने का तेरे पास था वो अब निकल चुका है, तुझे अब अगली शुभ घड़ी आने तक का इंतजार करना होगा, तब तक तेरे पास समय ही समय है, और इस बार तू उन्हें मारने का प्रयास मत करना, उन्हें वहां से निकाल कर ठीक मेरे पास लेकर आ, मैं अपने हाथों से पूरी प्रक्रिया को अंजाम दूंगा, अब जा मुझे परेशान मत कर। इतना कहते ही जादूगर रुस्तम अचानक नरीना को देखना बंद हो जाता है। नरीना गुस्से से पागल हो गई थी, आयुष और वाणी की बलि देने का शुभ मुहूर्त निकल चुका था और ये सब इन कबीले वालों की वजह से हुआ था। नरीना अपने दांत खींचकर गुस्से में खुद से ही कहती है, जानवरों तुम लोगों ने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया, मैं भी यहां से जाने से पहले तुम लोगों को
और तुम्हारे इस कबीले को, तुम्हारे इस टापू को बर्बाद करके जाऊंगी। और सबसे पहले मैं बाप को बेटे का दुश्मन बना डालूंगी। सुबह हो चुकी थी। कुपित वाणी को लेकर गुफा से बाहर निकलता है। आयुष उन दोनों को अपने कारागार से ही देख पा रहा था। आयुष देखता है कि वाणी और कुपित के सामने एक घोड़ा आकर रुकता है। सैनिक घोड़े से उतरता है और कुपित वाणी को घोड़े पर बैठाकर वहां से चला जाता है। आयुष बेबस था। वो अपने गुस्से को रोक नहीं पा रहा था। तभी वहां सेनापति काल आकर खड़ा हो जाता है और मुस्कुराकर कहता है, कितने कमजोर इंसान हो तुम। तुमसे ये छोटी छोटी सलाखें भी नहीं टूट पा रही हैं। तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी आंखों के सामने ही वो आदमी उठा कर ले गया जिसने कल पूरी रात तुम्हारी बीवी के साथ बिताई थी। आयुष गुस्से में चिल्लाता है, चुप हो जा कमीने, मैं तेरी जबान खींच लूंगा। मेरी वाणी ऐसी नहीं है। इस पर सेनापति मुस्कुराकर बोलता है, भाई मैं तो तुम्हारी मदद करने आया था। मेरे पास एक चाबी है जो तुम्हें इस कैद से आजाद कर सकती है। जाओ, जाकर अपनी बीवी को उस जानवर से आजाद करो और उस जानवर को उसके शरीर से, और अपनी वाणी को यहां से लेकर फरार हो जाओ। मैं किसी से नहीं कहूंगा। तभी आयुष ने माथे में सिलवटे डालकर कहा, तुम तो मेरे दुश्मन हो, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? इस पर सेनापति काल ने सीरियस नजरों से आयुष की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी तरह कभी मैं भी किसी से प्यार करता था। मेरी भी एक बीवी थी जिसे ऐसे ही एक दरिंदे ने मुझसे छीन लिया था। मैं नरीना के लिए काम करता हूँ, लेकिन मेरा दिल उसका गुलाम नहीं है, इसलिए तुम्हारी मदद करने चला आया। इतना कहकर सेनापति उसकी तरफ चाबी उछालता है और वहां से चला जाता है। जाने से पहले काल वहां पर एक तलवार भी गिराकर चला गया था। आयुष और एंटनियो जल्दी से बाहर निकलते हैं और एंटनियो उस तलवार को अपने कपड़ों में छुपा लेता है। दोनों पहाड़ियों के पीछे से कूदकर जंगल की तरफ बढ़ते हैं। एंटनियो डरते हुए कहता है, तुम क्या करने वाले हो? इस पर आयुष कहता है, सबसे पहले मैं उस कुपित को जान से मार डालूंगा, और अगर मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ तो मैं कह नहीं सकता कि वाणी भी जिंदा बचेगी या नहीं। क्या आयुष सचमुच वाणी को मार डालेगा? क्या आयुष नरीना के फैलाए जाल में फंस चुका है? नरीना आगे क्या करने वाली है? जानने के लिए सुनते रहें कहानी का अगला भाग सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।